हिमाचल प्रदेश में लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। परिवहन विभाग ने सिस्टम ऑनलाइन होने का हवाला देते हुए बताया कि अब लोगों को वाहन खरीदने और बेचने में एक दूसरे से एनओसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब लोग आसानी से गाड़ी खरीद और बेच सकेंगे। ये व्यवस्था जल्द ही हिमाचल में लागू होने वाली है। सरकार इस सिस्टम को खत्म करने जा रही है। सरकार वाहन फोर ऑपरेटिव सिस्टम लागू करने जा रही है। वाहन निर्माता कंपनी गाड़ियां बनाने के साथ साथ इनके चेसी और इंजन नंबर को सॉफ्टवेयर में अपलोड करेगी। परिवहन विभाग ऑनलाइन इन नंबर को देखकर ही गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करेगा। दरअसल अब बिना अपलोड हुए चेसी और इंजन नंबर की गाड़ियां हिमाचल में रजिस्टर्ड नहीं होंगी। हिमाचल में अभी इस सिस्टम को शिमला शहरी और धर्मशाला में शुरू किया जा रहा है। इसके बाद इसे अन्य शहरों में भी लागू किया जाएगा। वहीं इस ऐप के लागू किए जाने से वाहन चोरी पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। हिमाचल में अब जो भी वाहनों का पंजीकरण होगा वह वाहन फोर ऑपरेटिव सिस्टम के तहत ही किया जाएगा। हिमाचल में अभी वाहन वन ऑपरेटिव सिस्टम के तहत गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की जा रही थी। बताया जा रहा है कि कंपनी गाड़ी तैयार कर उसका चेसी और इंजन नंबर सॉफ्टवेयर पर अपलोड करेगी। इसके बाद गाड़ी शोरूम आएगी। यहां व्यक्ति गाड़ी खरीदेगा, उसके बाद इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन विभाग के पास होगी। वाहन रजिस्ट्रेशन करने से पहले अफसर गाड़ी का चेसी और इंजन नंबर ऑनलाइन चेक करेगा। डिटेल सही पाई जाती है तो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होगी। अगर यह डिटेल कंपनी के साथ मेल नहीं खाती है तो विभाग गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।